वेलकम स्टूडेंट्स मेरे चैनल टेकी पाउन अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी मीडियम में पहले से ही चैनल पर अवेलेबल है उसे चेक करें प्लेलिस्ट को इंग्लिश मीडियम में, में मेक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कन्वर्ट आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा ये मेरी गारंटी है तो चलते हैं आज के टॉपिक पे क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक और आरबीआई ये देखेंगे इसी को मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है तो हम इसी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी कहेंगे और डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड जो होती है इन्फ्लुनसरी गैप डिफ्लेंशरी गैप ये सब होते हैं उनको कैसे करेक्ट किया जाए स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में आपको ये एनालिसिस देने वाला हूं इससे पहले इतना एनालिसिस आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा प्रॉपर वे में तो चलते हैं टॉपिक पर सबसे पहले मैं बता दूं बीस छ दो को हमारे आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर यह रहा है एक डिप्टी ये गवर्नर है हमारे फिलहाल श्री शक्तिकांत दास जी चार डिप्टी गवर्नर हैं जिसमें एम के जैन जी कोऑर्डिनेशन के हैं और टी रवि शंकर जी राइट टू इंफॉर्मेशन डिवीजन के डिप्टी गवर्नर है ठीक है फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक आरबीआई ये हम सब पिछले वीडियो में कर चुके हैं आप वो वीडियो जरूर देखें अब बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं हम क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक भारत का सेंट्रल बैंक कौन है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी जो आरबीआई का या सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क अगर कोई इकोनॉमी में है तो वो है क्रेडिट कंट्रोल ध्यान दें क्रेडिट क्रिएशन वर्क कौन करता है कॉमर्शियल बैंक जबकि क्रेडिट कंट्रोल का वर्क कौन करता है सेंट्रल बैंक जो भारत में आरबीआई है क्रेडिट क्रिएशन रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच ए कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स मेनी टाइम्स मोर क्रेडिट देन प्राइमरी डिपोजिट और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है प्राइमरी डिपोजिट के बेस पे जब मेनी टाइम्स क्रेडिट को क्रिएट कर दिया जाता है तो उसी को क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल इफ द इनिशियल डिपोजिट इज टेन थाउजेंड रुपीज एंड सी आर आर इज इक्वल टू टेन परसेंट द टोटल डिपोजिट बाय द बैंक विल बी टेन थाउजेंड इंटू टेन इज इक्वल टू वन लाख रूपीज क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है कैसे होता है इसकी प्रोसेस क्या है इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है आप पिछला वीडियो जरूर देखे तो इसमें क्या कर रहा है कि रुपीस के बेस पे उसने वन लाख रूपये की डिपोजिट क्रिएट कर दी तो इसी को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं द सेंट्रल बैंक ट्राइज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मनी टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी और सेंट्रल बैंक क्या करता है आरबीआई क्या करता है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे उसके लिए मनी की क्वांटिटी को वो क्या करता है कंट्रोल करने की कोशिश करता है टू डू दिस सेंट्रल बैंक यूजेस टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल एंड क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स और इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी यूज की जाती है ध्यान देना मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई या सेंट्रल बैंक यूज करता है जबकि फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है ठीक है तो मॉनेटरी पॉलिसी के में हम क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स देखने वाले हैं अब आप देख सकते हैं मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और मेथड्स ऑफ मनी कंट्रोल ये सब एक ही चीजें अगर आपसे कोई पूछे क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स क्या हैं तब भी यही आंसर है मॉनेटरी पॉली इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं तब भी यही आंसर है कोई पूछे मनी कंट्रोल की मेथड्स कौन सी है तब भी यही आंसर है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया जैसा कि मैंने बताया कि आरबीआई ही क्रेडिट को कंट्रोल करता है और वह किसके थ्रू कौन सी पॉलिसी के थ्रू मॉनिट्री पॉलिसी के थ्रू बाई यूजिंग दिस पॉलिसी द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ मनी इन द कंट्री और मॉनेटरी पॉलिसी से वो क्या करता है जो मनी की क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ मनी है उसको कंट्रोल करता है अब आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इसे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे ए क्वांटिटेटिव मेजर्स बी क्वालिटेटिव मेजर्स क्वांटिटेटिव में हम सी आर आर बैंक रेट रेपो रेट एस एल आर ओ एमओ ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट ये सब देखेंगे जबकि क्वालिटेटिव में हम मार्जिन रिक्वायरमेंट राशनिंग ऑफ क्रेडिट और मोरल सोशन देखेंगे ठीक है तो अब देखते हैं वन वन बाय करके सबसे पहले ए क्वांटिटेटिव मेजर और क्वांटिटेटिव टूल्स होते क्या है पहले ये क्लियर कर दें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर दो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनोमी क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कितनी रहनी चाहिए उसको कंट्रोल करते हैं ये मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम क्वांटिटेटिव मेजर से किया जाता है इट इज यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मनी इन द कंट्री और इसके लिए मनी की जो क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ मनी है उसको कंट्रोल करने का काम क्वांटिटेटिव में किया जाता है फॉलोइंग इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट तो देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन कौन से हैं नंबर वन बैंक रेट बैंक रेट समझते हैं पहले बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म यहां कुछ स्पेशल चीजें आई हैं बैंक रेट एक तरह की रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहली बात सेकंड बात इसमें आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को क्या कर रहा है मनी लैंड कर रहा है उधार दे रहा है कितने समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जब लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई लैंड दे मनी उधार दे कॉमर्शियल बैंक को तो उसे हम बैंक रेट के नाम से जानते हैं इट इज ऑल्सो द रेट एट विच द आरबीआई इज रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कॉमर्शियल पेपर्स और इसी रेट पर इस बैंक रेट पर ही आरबीआई क्या करता है बिल्स का रीडिस्काउंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसका रिस्क डिस्काउंट भी इसी रेट पे होता है और अदर जो कॉमर्शियल पेपर्स हैं उनकी भी रेट यही लगती है इट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्काउंट रेट और इसी कारण से बैंक रेट को डिस्काउंट रेट के नाम से भी जाना जाता है द बैंक रेट पॉलिसी वॉज फर्स्ट यूज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड इन 1839 सबसे पहले इंग्लैंड में 1839 में बैंक रेट पॉलिसी को यूज किया गया था करंटली द बैंक रेट इन इंडिया इज फाइव 15%, अभी कितनी चल रही है? 15 चल रही रही है 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 होती रहती है, आप उस दिन का डाटा देख ले व्हेन द बैंक चीप मनी पॉलिसी एंड व्हेन द बैंक मनी पॉलिसी ध्यान दो जब बैंक रेट को लो किया जाता है तो उसे चीप मनी पॉलिसी कहा जाता है और जब बैंक रेट को हाई किया जाता है तो उसे हम डियर मनी पॉलिसी के नाम से जानते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं बैंक रेट का इंपैक्ट किस किस पे इन्फ्लेशन पे और रिसेशन पे दोनों पे इफ देयर इज इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड इन्फ्लेंशरी गैप इन्फ्लेशन में ही एक्सेस डिमांड होती है और एक्सेस डिमांड के कारण ही इन्फ्लेंशरी गैप का जन्म होता है ध्यान रखना तो इफ देयर इज इन्फ्लेशन इन द मार्केट इट मींस दैट देयर इज मोर क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट भाई इन्फ्लेशन है एक्सेस डिमांड है क्यों है एक्सेस डिमांड मार्केट में मनी ज्यादा है इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं ज्यादा ठीक है इन सच ए सीचुएशन द सेंट्रल बैंक विल रेज द बैंक रेट टू रेड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी तो इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा आरबीआई क्या करेगा बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा बैंक रेट इंक्रीज होगी तो क्या होगा अमाउंट ऑफ मनी जो मार्केट में है वो डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू विस द मार्केट इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो इंक्रीज जैसे ही बैंक रेट इंक्रीज की जाएगी तो मार्केट की जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या हो जाएगी इंक्रीज क्योंकि बैंक अगर आरबीआई से लोन ज्यादा रेट पर लेगा तो लोगों को भी ज्यादा रेट पर ही देगा एंड पीपल विल टेक लेस क्रेडिट ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी लोग क्या करेंगे कम लोन लेंगे क्यों कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगी एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग विच विल रिड्यूस द डिमांड एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन तो इसके कारण क्या होगा जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो मार्केट में क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी और जैसे ही मनी सप्लाई डिक्रीज होगी वैसे ही क्या होगा डिमांड रिड्यूस हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो, हो जाएगी ये तो है किसपे इन्फ्लेशन के टाइम पे या एक्सेस डिमांड के केस के में या इन्फ्लेंशरी गेप के केस में बैंक रेट को हम क्या करते हैं रेज कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं बढ़ा देते हैं ज ए रिसेशन डेफिशियंट डिमांड डिफलेंशरी गैप इन द मार्केट इट मीन दैट देर इज लेस क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट अगर रिशेशन है मार्केट में डिफ्लेशन है डिफिशियंट डिमांड है डिफ्लेंशरी गैप है तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि मार्केट में पैसा नहीं है कम है पैसा तभी तो डिमांड कम है इन सच ए सिचुएशन द सेंट्रल बैंक विल रेड्यूस द बैंक रेट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा बैंक रेट को रिड्यूस करेगा घटाएगा ड्यू टू विच द मार्केट इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो डिक्रीज और उसके कारण क्या होगी जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रही है लोन की वो भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी एंड पीपल विल टेक मोर लोन्स ड्यू टू द लोअर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट और जैसे ही इंटरेस्ट रेट घटेगी लोग क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोन लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोन सस्ता हो जाएगा एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग जिसके कारण क्या होगा जो मार्केट में मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी विच विल इंक्रीज द डिमांड एंड कंट्रोल द रिसेशन जिसके कारण क्या होगा डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी और रिसेशन कंट्रोल में आ जाएगी क्योंकि मार्केट में पैसा आ जाएगा अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं रेपो रेट डबल आर रेपो रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म ध्यान दे बैंक रेट में और रेपो रेट में क्या अंतर है सेम रेट है सेम रेट बस इतना ही अंतर है कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म पर जब लोन लिया जाता है तो उस पर लगने वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा है जबकि शॉर्ट टर्म के लिए जब लोन लिया जा रहा है तो उस पर लगने वाली इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहा जा रहा है दोनों ही केस में लोन कौन ले रहा है कॉमर्शियल बैंक ठीक है किससे ले रहा है आरबीआई से ठीक है इट मी इट इज ऑल्सो नोन एज द रिपर्चेज रेट इसी को रेपो रेट को ही रिपर्चेज रेट के नाम से भी जाना जाता है द रिपर्चेज अग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ द सेंट्रल बैंक एंड द कॉमर्शियल बैंक और जो रिपर्चेज अग्रीमेंट होता है उस पर सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक सभी के साइन होते हैं एंड इट इज रिटर्न ऑन इट दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल बी रीपर्चेज ऑन ए सर्टेन डेट ओ एट ए प्री डिटर प्राइस प्री डिटरमाइंड बाय द कॉमर्शियल बैंक और ये जो रिपर्चेस अग्रीमेंट होते हैं वो इसके साथ होते हैं एक ऐसा अग्रीमेंट पहले ही लेटर में हो जाता है रिटर्न हो जाता है कि जो ये सिक्योरिटीज है उसको आप वापस से परचेज करेंगे उसकी ये रिपर्चेस रेट होती है फिर आगे देखते हैं करंटली द रेपो रेट इन इंडिया इज फोर अभी फोर परसेंट चल रही है रेपो रेट अब देखते हैं रेपो रेट का इंपैक्ट देखते हैं इफ देर इज इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड इन्फ्लूरी गैप अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है एक्सेस डिमांड है इन्फ्लेंशरी गैप है तब क्या होगा इन द मार्केट इट मीन्स दैट देर इज मोर क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट इट मीन्स क्या है जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो मार्केट में क्या है ज्यादा है पैसा मार्केट में क्या है ज्यादा है इन सच ए सिचुएशन द सेंट्रल बैंक विल रेज द रेपो रेट टू रेड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी तो इस केस में जो आरबीआई है वो क्या करेगा सेंट्रल बैंक क्या करेगा रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा ड्यू टू विच द मार्केट इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो इंक्रीज और इसके कारण क्या होगा जैसे रेपो रेट इंक्रीज होगी मार्केट की इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगी इंक्रीज क्योंकि बैंक आरबीआई से लोन ज्यादा रेट पर लेगा तो वो लोगों को भी तो ज्यादा ही रेट पर देगा एंड पीपल विल टेक लेस क्रेडिट ड्यू टू द इंक्रीज इन द कोस्ट ऑफ क्रेडिट और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों के लिए बढ़ जाएगी तो लोग लोन कम लेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी इंक्रीज हो जाएगा एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग विच विल रिड्यूस द डिमांड एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन इसके कारण क्या होगी जो मनी सप्लाई है या क्वांटिटी ऑफ मनी है वो मार्केट में क्या हो जाएगी घटना स्टार्ट हो जाएगी डिक्रीजिंग हो जाएगी और उसके कारण क्या होगा डिमांड डि रिड्यूस हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगी ये तो हुआ इन्फ्लेशन के टाइम अब देखते हैं इफ देर इज ए रिसेशन डिफ्लेशन डिमांड डिमांडरी गैप इन द मार्केट अगर ये पोजिशन हो तब क्या होगा इट मीन दैट देर इज लेस क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट मार्केट में पैसा कम है इस कारण से डिमांड कम है इन सच ए सिचुएशन द सेंट्रल बैंक विल रेड्यूस द रेपो रेट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा रेपो रेट को रिड्यूस करेगा ड्यू टू विच द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑल्सो डिक्रीज इसके कारण क्या होगा मार्केट की जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड पीपल विल टेक मोर लोन ड्यू टू द लोअर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट और लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोन सस्ता हो जाएगा एज ए रिजल्ट द क्वाटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग जिसके कारण क्या होगा क्वाटिटी ऑफ मनी मार्केट में क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी फिर विच विल इंक्रीज द डिमांड एंड कंट्रोल द रिसेशन जिससे रिसेशन कंट्रोल हो जाएगी और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि डिमांड के इंक्रीज होने से रिसेशन कंट्रोल होती है अब अगला पॉइंट देखते हैं थर्ड नंबर का रिवर्स रेपो रेट ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई बोरो मनी बोरोस मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म अभी तक जो आपने रेपो रेट देखी और बैंक रेट देखी उसमें क्या हो रहा था कॉमर्शियल बैंक बोरो कर रहा था आरबीआई से और ये है रिवर्स रेपो रेट जिसमें आरबीआई बोरो कर रहा है कॉमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए ध्यान देना रेपो रेट में तो क्या हो रहा था रेपो रेट और बैंक रेट में कॉमर्शियल बैंक बोरो कर रहा था आरबीआई से यहां उल्टा है यहां आरबीआई बोरो कर रहा है कॉमर्शियल बैंक से कितने पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म के लिए दिस इंड्यूसेस द कॉमर्शियल बैंक टू पार्क देअ सरप्लस फंड विद द आरबीआई अच्छा आपके मन में यह प्रश्न हो रहा है कि सर आरबीआई को बोरो करने की क्या जरूरत है तो आरबीआई बोरो तो करता है लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि कॉमर्शियल बैंक को कोई लॉस नहीं हो हानि नहीं हो कैसे मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक से कोई लोन नहीं ले पा रहा है और उसके पास फंड पड़ा है तो उस फंड से उसको क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देनी पड़ेगी उसको इंटरेस्ट तो उसको डिपोजिटर को देना पड़ेगा लेकिन अगर कोई लोन नहीं लेने आएगा तो उसको तो नुकसान होगा ना तो कॉमर्शियल बैंक बैंक को इस लॉस से बचाने के लिए क्या करता है कॉमर्शियल बैंक क्या करता है आरबीआई को पैसा डिपोजिट कर देता है आरबीआई को पैसा करता है या उसको क्या कर देता है लैंड कर देता है उधार दे देता है तो बदले में वो थोड़ा बहुत उसको इंटरेस्ट मिल जाता है करंटली द रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया इज 3.35 परसेंट अभी कितनी चल रही है रिवर्स रेपो रेट 3.35 परसेंट तो रेपो रेट का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट अब आगे देखते हैं रिवर्स रेपो रेट का इंपैक्ट देख लेते हैं इफ देर इज इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड इन्फ्लुशियर गैप इन द मार्केट इट मीन देर इज मोर क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट तो इतनी देर में आपको समझ में आ गई होगी कि इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन कब होगी एक्सेस डिमांड कब होगी जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो इन सचुएशन द सेंट्रल बैंक विल रेज द रिवर्स रेपो रेट ध्यान दें इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा रिवर्स रेपो रेट को रेज करेगा इंक्रीज करेगा टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी ड्यू टू विच द कॉमर्शियल बैंक डिपोजिट देर फंड सेंट्रल बैंक टू अर्न इंटरेस्ट इनकम तो जैसे ही रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगी सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे उनके पास जो एक्स्ट्रा फंड रखा हुआ है वो उसको कहां डिपोजिट कर देंगे सेंट्रल बैंक के पास किस लिए इंटरेस्ट अर्न करने के लिए एज ए रिजल्ट द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज रिड्यूस्ड जिसके कारण क्या होगा कॉमर्शियल बैंक्स की जो लैंडिंग कैपेसिटी होती है उधार देने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी घट जाएगी एंड दे आर एबल टू लैंड लेस मनी टू द पीपल, और उसके कारण वो लोगों को कम लोन दे पाएंगे एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग विच विल रिड्यूस द डिमांड एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन जिसके कारण क्या होगा मार्केट में पैसा कम जाएगा डिमांड घटेगी रिड्यूस हो जाएगी डिमांड और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी अब देखते हैं रिसेशन पर इंपैक्ट इफ देर इज ए रिसेशन डिफिशियंट डिमांड गैप इन द मार्केट इट मीन दैट देर इज लेस क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट क्लियर है रिसेशन है क्यों है डिमांड क्यों होती है क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मनी कम है मार्केट में मार्केट में पैसा कम है इसलिए लोग डिमांड कम कर रहे हैं इन सच ए सिचुएशन द सेंट्रल बैंक विल रिड्यूस द रिवर्स रेपो रेट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी तो इस केस में रिवर्स रेपो रेट को सेंट्रल बैंक क्या करेगा रिड्यूस करेगा ड्यू टू विच द कॉमर्शियल बैंक विल नॉट डिपोजिट द सेंट्रल बैंक टू अर्न इंटरेस्ट इनकम तो जैसे ही रिड्यूस होगी रिवर्स रेपो रेट कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे कम डिपोजिट करेंगे पैसा कहां पे आरबीआई में ठीक है एज ए रिजल्ट द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज इंक्रीज जिसके कारण मर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी एंड दे आर एबल टू लैंड मोर मनी टू द पीपल और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लैंड कर पाएंगे मनी उधार दे पाएंगे एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग जिससे क्वांटिटी ऑफ मनी मार्केट में क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी विच विल इंक्रीज द डिमांड जिससे डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी और इन रिशेशन क्या हो जाएगी कंट्रोल में आ जाएगा फिर नेक्स्ट है फोर कैश रिजर्व रेशो सी आर आर जितना भी कॉमर्शियल बैंक के पास डिपोजिट होता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज उसे किसके पास रखना पड़ता है आरबीआई के पास इसी को सी आर आर कहा जाता है विच इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशू इट इज ए कंपोनेंट ऑफ द लीगल रिजर्व रेशियो लीगल रिजर्व जो रेशियो है एल उसके दो कंपोनेंट होते हैं एक सीआरआर और एक एस एल आर तो सी इंडिया इज इसका जीरो in चल रहा है अभी अब इसका इंपैक्ट देख लेते हैं इफ देर इज इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड गैप इन द मार्केट इट मीन दैट देर इज मोर क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट यहां तक तो हमको क्लियर है अब क्या होगा सी आर आर इन सच ए द सेंट्रल बैंक विल द करने के लिए वो क्या करेगा सीआरआर को इंक्रीज कर देगा रेज कर देगा ड्यू टू विच कॉमर्शियल बैंक विल हैव टू ए ग्रेटर शेयर ऑफ देयर टोटल डिपोजिट आरबीआई जिसके कारण क्या होगा कॉमर्शियल बैंक को जितनी उनके पास डिपोजिट आ रही है उसका हायर परसेंटेज किसको देना पड़ेगा आरबीआई को क्योंकि ये मैंडेटरी है एज ए रिजल्ट द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज रिड्यूस जिसके कारण क्या होगा कॉमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी घट जाएगी रिड्यूस हो जाएगी एंड दे आर एबल टू लैंड लेस मनी टू पीपल और वो लोगों को क्या करेंगे कम लोन दे पाएंगे ठीक है एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग जिससे क्या होगा मनी की सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी डाउन हो जाएगी विच विल रेड्यूज द डिमांड और जिससे डिमांड रेड्यूज हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी आग, आगे देखते हैं इफ देर इज रिशेशन डेफिशियंट डिमांड डिफ्लेंशरी गैप इन द मार्केट इट मीन दैट देर इज लेस क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट और अगर मार्केट में पैसा कम है रिजेशन चल रहा है डिफ्लेशन चल रहा है कुछ ऐसा चल रहा है तो क्या होगा इन सच ए सिचुएशन द सेंट्रल बैंक विल रेड्यूस द सी आर आर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी तो ऐसे केस में मार्केट में पैसा इंक्रीज करने के लिए सीआरआर को रेड्यूस किया जाएगा डिक्रीज किया जाएगा ड्यू टू विच द कॉमर्शियल बैंक विल हैव टू डिपोजिट लेस ऑफ देयर टोटल डिपोजिट आरबीआई तो जैसे ही सीआरआर रेड्यूस की जाएगी कॉमर्शियल बैंक को अपना लेसर अमाउंट डिपोजिट करना पड़ेगा आरबीआई के पास जिसका परिणाम क्या होगा एज ए रिजल्ट द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज इंक्रीज जिसके कारण जो लैंडिंग कैपेसिटी है कॉमर्शियल बैंक की वो इंक्रीज हो जाएगी वो ज्यादा लोन दे पाएंगे एंड दे आर एबल टू लैंड मोर मनी टू द पीपल और वो ज्यादा लोन दे पाएंगे एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग जिससे मार्केट में मनी की क्वांटिटी इंक्रीज होगी विच विल इंक्रीज द डिमांड एंड कंट्रोल द डिस तो जैसे ही मार्केट में पैसा आएगा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और रिसेशन कंट्रोल में आ जाएगी फिर अगला नेक्स्ट है पॉइंट आगे देखते हैं हम फिफ्थ नंबर लिक्विडिटी रेशियो एस एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट ए फिक्सड परसेंटेज ऑफ इट्स असेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असैट्स कोल्ड एस ध्यान देना सीआरआर जो था वो किसके पास रखा जा रहा था सी आर आरबीआई के पास सेंट्रल बैंक के पास रखा जा रहा था CRR, एस बैंक खुद के पास रखेगा पहली चीज दूसरी चीज डिपॉजिट के बेस पे रखा जा रहा था जितनी डिपॉजिट्स आ रही थी उसके बेस पे सीआरआर रखा जा रहा था लेकिन एस डिपॉजिट के बेस पे नहीं बल्कि जितनी बैंक में असैट हैं उसके बेस पर बैंक को एस रखना पड़ता है तो दोनों में अंतर समझ में आ गया द लिक्विड असैट इंक्लूड ये कैश में भी हो सकता है गोल्ड में भी हो सकता है एंड सी अनएनकम्बर्ड अप्रूव सिक्योरिटीज के बेस पर भी हो सकता है इट इज ए कंपोनेंट ऑफ द लीगल रिजर्व रेशियो यही लीगल रिजर्व रेशियो का सेकंड कंपोनेंट कंपोनेंट है पहला component हमने सीआरआर देखा सेकंड कंपोनेंट कंपोनेंट क्या है एस एल आर करंटली द इंस्टीट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एस एल आर इन इंडिया इज 18 परसेंट अभी एस एल आर कितना चल रहा है 18 परसेंट अब आगे देखते हैं इफ देर इज इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड इन्फ्लुएंशी गैप इन द मार्केट इट मीन दैट देर इज मोर क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट ये अब तक हमको बात क्लियर हो चुकी है की डिमांड ज्यादा है इन्फ्लुंश्री गैप है इन्फ्लेशन है इसका मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा है इन सच ए सीचुएशन द सेंट्रल बैंक विल रेज द एस एल आर इस केस में क्या करेगा सेंट्रल बैंक एस एल आर को इंक्रीज करेगा टू रेड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी ताकि मार्केट में पैसा कम हो जाए ड्यू टू विच कॉमर्शियल बैंक विल हैव टू मैंडेटरली कीप ए ग्रेटर शेयर ऑफ देयर टोटल असेट्स लिक्विड as एसेट्स इसके कारण क्या करना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी एसेट्स है उसमें से एक बड़ा शेयर उसको क्या करना पड़ेगा अपने पास लिक्विड के रूप में रखना पड़ेगा एज ए रिजल्ट देंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज रिड्यूस जिसके कारण क्या होगा कॉमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी एंड दे आर एबल टू लैंड लेस मनी टू दीपल और वो लोगों को कम लोन दे पाएंगे एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग जो क्वांटिटी ऑफ मनी क्या हो जाएगी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी विच विल रिड्यूस द डिमांड जिससे डिमांड डिक्रीज होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी इफ देर इज ए रिसेशन डेफिशियंट डिमांड डिफ्लेंशरी गैप इन द मार्केट इट मीनस दैट देर इज लेस क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट अगर डेफिशियंट डिमांड है रिसेशन है डिफ्लेंशरी गैप है डिफ्लेशन है ऐसी परिस्थिति में क्या होता है ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट में पैसा कम होता है इन सच ए सिचुएशन सेंट्रल बैंक विल रेड्यूस द एस एल आर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी तो ऐसे केस में सेंट्रल बैंक मार्केट में पैसा बढ़ाने के लिए क्या करेगा एस एल आर को डिक्रीज कर देगा ड्यू टू विच कॉमर्शियल बैंक विल हैव टू मैंडेटरली कीप ए लेसर शेयर ऑफ देयर टोटल असेट एज लिक्विड एसेट्स जिसके कारण क्या होगा कॉमर्शियल बैंक को पहले की तुलना में उनको क्या करना पड़ेगा कम लिक्विड असेट्स अपने पास रखनी होगी ठीक है एज ए रिजल्ट द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज इंक्रीज जिससे लैंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी बैंक की एंड दे आर एबल टू लैंड मोर मनी टू दीपल जिससे वो लोगों को ज्यादा लोन दे पाएंगे एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग जिससे क्वांटिटी ऑफ मनी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी मार्केट में और जैसे ही मार्केट में पैसा आएगा विच विल इंक्रीज द डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और रिसेशन कंट्रोल हो जाएगी फिर नेक्स्ट है सिक्स ओपन मार्केट ऑपरेशन ओ एम ओ ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेल एंड एंडेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय बाई दरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिक्योरिटीज को क्या करता है सेल और परचेज करता है इसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं ठीक है बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी होता है ये भी एक तरह का क्या होता है सिक्योरिटी होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट द आरबीआई लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनोमी तो अगर सरकार सिक्योरिटी सेल करती है तो उससे क्या होगा जो पैसा है वो कहां से चल जाएगा पब्लिक से कहां चल जाएगा गवर्नमेंट के पास एंड बाय बाइंग द सिक्योरिटीज द सिक्योरिटी रिलीज लिक्विडिटी और अगर बाय करती है तो पैसा किसके पास जाता है पब्लिक के पास इसको और देख लेते हैं इफ देर इज इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड इन्फ्लुशियल गैप इन द मार्केट इट मीन्स दैट देर इज मोर क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट यहां तक क्लियर है हमारा इन सच ए सीचुएशन द सेंट्रल बैंक विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट क्या करेगी जो सिक्योरिटीज है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको सेल किया जाएगा आरबीआई के थ्रू और जैसे ही सेलिंग की जाएगी तो जो सेल करने से क्या मिलता है पैसा मिलता है तो क्या होगा टू ड्यू टू विच द मनी विल गो फ्रॉम द पब्लिक टू सेंट्रल बैंक जिससे क्या होगा पब्लिक पैसा देगी क्योंकि पब्लिक खरीदेगी ना आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो बदले में पैसा देगी तो वो पैसा कहां चल जाएगा पब्लिक से निकलकर सेंट्रल बैंक के पास एस ए रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग जिससे क्या होगा मार्केट में पैसा कम होने लग जाएगा विच विल रेड्यूस द डिमांड जिससे डिमांड डिक्रीज होगी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी फिर नेक्स्ट है इफ देर इज ए रिसेशन डिफिशियंट डिमांड डिफ्लेंशरी गैप इन द मार्केट इट मीन दैट देर इज ए लेस क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट इन सच सिचुएशन द सेंट्रल बैंक विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी जब रिसेशन होगा या डिफ्लेशन होगा डिफिशियंट डिमांड होगी या डिफ्लेंशरी गैप होगा अगर इसको दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा आरबीआई क्या करेगा या सेंट्रल बैंक क्या करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगा किससे पब्लिक से बाय करेगा तो जैसे ही वो पब्लिक से बाय करेगा क्या होगा देखो ड्यू टू विच द मनी विल गो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक टू द पब्लिक जिससे क्या होगा बाय करने से क्या होगा जो ड्यू टू विच द मनी विल गो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक टू द पब्लिक सेंट्रल बैंक से पैसा निकलकर कहां चल जाएगा पब्लिक के पास क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास तो क्या आ जाएगा सिक्योरिटीज आ जाएंगी और सिक्योरिटीज के बदले में सेंट्रल बैंक पब्लिक को क्या देगा पैसा ठीक है एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग जिससे मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी विच विल इंक्रीज द डिमांड और डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी और रिजिशन कंट्रोल में आ जाएगी फिर नेक्स्ट हमारा अब आता है इतनी देर तक तो हम पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव मेजर्स अब हम पढ़ने वाले हैं बी क्वालिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव टूल्स किसके मॉनेटरी पॉलिसी के ठीक है अंडर दिस द इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड बाय विच द अमाउंट ऑफ मनी इन द कंट्री इज नॉट कंट्रोल्ड बट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट इज डिटरमाइंड क्वालिटेटिव मेजर्स में हम क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ जो मनी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं क्वांटिटेटिव में तो हम क्या कर रहे थे मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे इसलिए उसका नाम क्वांटिटेटिव था क्वालिटेटिव में हम क्या कर रहे हैं मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल कर नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं उसके डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं द पर्पज ऑफ क्वालिटेटिव टूल्स इज नॉट टू कंट्रोल द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट बट टू कंट्रोल इट्स वेरियस यूजेस हम इसमें उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं मनी की बल्कि उसके यूजेस को कंट्रोल कर रहे हैं सो दैट द यूज ऑफ क्रेडिट कैन बी अडेप्टेड टू द डिजायर्ड प्रायरिटीज एंड गोल्स जिससे क्या होता है आरबीआई को लगता है कि इस सेक्टर में ज्यादा पैसा देना है तो वो वहां उसके हिसाब से उसको अडोप्ट कर लेता है इट इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव मेजर्स और इसी को सेलेक्टिव मेजर्स या सेलेक्टिव टूल्स के नाम से भी जाना जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के सेलेक्टिव मेजर्स फिर आगे देखते हैं इसमें है नंबर वन मार्जिन रिक्वायरमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन्स एंड द अमाउंट ऑफ लोन्स ऑफर्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट और कुछ नहीं आपने कितना मोर्गेज के रूप में रखा है कोई चीज आपने मान लीजिए कोई आपके पास प्लॉट है आपने प्लॉट या गोल्ड मान लीजिए आपने वन लाख रुपये का गोल्ड क्या किया मोर्गेज किया तो आपको वन लाख रुपीज के गोल्ड के बदले में वन लाख रुपीज का लोन तो कोई नहीं देगा तो उससे कम लोन देते हैं तो इसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं कि जितने का आपने लोन मांगा आपके पास जितना मोर्गेज के लिए असेट था उससे कम जब लोन दिया जाता है तो उसको हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं सपोज द मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज टेन परसेंट देन इन दिस सिचुएशन इफ ए परसन मोर्गेजेस ए थिंग ऑफ रूपीज वन लैख विद द बैंक देन बाय कीपिंग टेन परसेंट टेन थाउजेंड द बैंक विल प्रोवाइड नाइन्टी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज नाइन्टी थाउजेंड लोन टू द कस्टमर अगर मान लीजिए मार्जिन रिक्वायरमेंट टेन परसेंट है तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक लाख की अगर कोई चीज आप मोर्गेज में रखेंगे गिरवी रखेंगे बैंक के पास तो वो आपको नाइन्टी थाउजेंड रुपीज तक का ही लोन देगा क्योंकि टेन परसेंट वो अपने पास रख लेगा फिर आगे देखते हैं इसका इंपैक्ट देखते हैं इफ देर इज इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड इन्फ्लुएंशरी गैप इन द मार्केट इट मींस दैट देर इज मोर क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट इन सच ए सिचुएशन द सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द मार्जिनल रिक्वायरमेंट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज रिड्यूस किया जाए इंक्रीज किया जाएगा मार्जिनल रिक्वायरमेंट को आरबीआई क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा क्यों करेगा इंक्रीज ताकि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए ड्यू टू विच द बैंक विल बी एबल टू गिव लेस टू द कस्टमर तो जैसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा बैंक क्या करेंगे कम लोन दे पाएंगे अपने कस्टमर को एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग जिससे मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी मार्केट में विच विल रिड्यूस द डिमांड और डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी फिर आगे देखते हैं इफ देर इज ए रिसेशन डिफिशियंट डिमांड डिफिलेंशरी गैप इन द मार्केट इट मीन दैट देर इज लेस क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट अगर मार्केट में रिसेशन है डिफिशेंट डिमांड है डिफिलेंशरी गैप है मार्केट मतलब में पैसा कम है इन सच ए सिचुएशन द सेंट्रल बैंक विल डिक्रीज द मार्जिनल रिक्वायरमेंट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी इस केस में सेंट्रल बैंक मार्जिनल रिक्वायरमेंट को क्या करेगा डिक्रीज करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन असैट पे दिया जा सके ड्यू टू विच द बैंक विल बी एबल टू गिव मोर लोन टू द कस्टमर ऐसे केस में जैसी ही डिक्रीज होगी मार्जिनल रिक्वायरमेंट बैंक क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएगा एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग जिससे क्या होगा मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी विच विल इंक्रीज द डिमांड और जिससे डिमांड भी इंक्रीज होगी और एंड में क्या हो जाएगा रिसेशन कंट्रोल में आ जाएगी फिर इसका सेकेंड पॉइंट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट ेशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज इसमें क्या किया जाता है रेशनिंग में रेशनिंग में क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा बल्कि उसके मोटिव को ही कंट्रोल कर दिया जाता है कोई बिजनेस एक्टिविटीज है या कोई एरिया है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है कि उसमें कोटा निर्द, कोटा फिक्स कर दिया कि इसमें वन करोड़ रुपीज से ज्यादा का लोन नहीं देना है तो इस तरह से कोटा तय कर दिया जाता है कि इस सेक्टर में इतने रुपए का लोन दे सकते हैं आप कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट वाइल ग्रांड लोड्स और कोटा लिमिट को जा, से ज्यादा लोन नहीं दिया जा सकता है किसी भी सेक्टर में दिस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनोमी और इससे क्या होता है मनी की सप्लाई क्या होती है कंट्रोल आ जाती है एंड इंफ्लेशन इज कंट्रोल और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाती है ऑन द अदर हैंड रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इज विदड्रॉन टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी और अगर किसी सेक्टर में सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना हो तो रेशनिंग को हटा दिया जाता है या वापिस ले लिया जाता है दिस कंट्रोल द डिफ्लेशन जिससे डिफ्लेशन और रिसीशन कंट्रोल में आती है फिर लास्ट पॉइंट थर्ड मॉरल सोशन द सेंट्रल बैंक बिंग द सॉवरन ऑफ ऑल बैंक बिंग द अल्टीमेट लैंडर एंड प्रोटेक्टिंग देयर कैश रिजर्व हम सभी जानते हैं बैंकों का बैंक कौन होता है सेंट्रल बैंक और ये अल्टीमेट लैंडर भी होता है और जो सी है उसका प्रोटेक्शन भी यही करता है कैन एक्सरसाइज इट्स मॉरल प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस ऑन द कॉमर्शियल बैंक एंड रिक्वेस्ट देम टू कंट्रोल द क्रेडिट तो ये क्या करता है मॉरल प्रेशर और इन्फ्लुएंस के द्वारा क्या करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है मार्केट में द बैंक्स आर एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट लोन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जब इन्फ्लेशन होती है तो आरबीआई एडवाइस करता है कि लोन कम दे एंड बी लिबरल इन लैंडिंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और जब डिफ्लेशन होती है या रिशेशन होती है उस दौरान आर बी आई कहता है कि थोड़ा लिबरल रहे बैंक ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लोन जा सके जस्ट एज द चिल्ड्रेन डू नॉट डेफर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फादर सिमिलरली द गाइडलाइंस गिवन बाय द सेंट्रल बैंक्स आर ऑल्सो नॉट अवॉइडेड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स जिस प्रकार से एक बच्चा अपने फादर का कहना नहीं टाल सकता है उसी प्रकार से कॉमर्शियल बैंक्स के लिए भी सेंट्रल बैंक क्या होता है एक फादर का रोल प्ले करता है और फादर की बात को अवॉइड नहीं किया जा सकता उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की डिटेल टॉपिक था अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स मेरे दो चैनल हैं एक है टेकी पावन अकेडमी दूसरे का नाम है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर यूट्यूब के हैं दोनों चैनल टेकी पावन अकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट एनपीएस सीसीएस एनपीएस रूल्स पीपीएफ फिक्स डिपोजिट स्कीम्स गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एस स्कीम्स पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स एम एस की मास्टर सीरीज कंप्यूटर और मोबाइल के सोल्यूशन और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की सौ सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद